आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-2023 संसद में पेश कर दिया है। हर तबके की तरह क्रिप्टो करेंसी निवेशकों की भी नजर इस बजट पर थी। क्रिप्टो करेंसी को हालांकि अभी तक कानूनी मान्यता नहीं मिला है, लेकिन इस बजट से उम्मीद की जा रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। तो जैसी उम्मीद की जा रही थी, जैसी संभावना जताई जा रही थी, क्रिप्टो करेंसीज को टैक्स के दायरे में ले आया गया है। तो क्रिप्टो करेंसीज से हुई आमदनी पर 30% टैक्स का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करने पर 1% TDS का भी प्रस्ताव किया गया है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि रिजर्व बैंक 2022-2023 तक अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। इसके लिए ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर के लोकसभा में क्या बताया, आप भी सुन लीजिए। स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। देयर हैज बीन अ फिनोमिनल इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन इन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. To be your money manager mein aaj itna hi. Namaskar. Dosto, ye meri 7 kitab hai jo ki Amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।